नमस्कार, सिटी केबल के दर्शकों को मैं सतीश अग्रवाल अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। मित्रों, हमारी नियमित स्वास्थ्य विषयक श्रृंखला हेल्थ केयर में आपका हार्दिक स्वागत है। इस श्रृंखला के तहत हम अपनी नियमित समस्याओं को लेकर एक एक्सपर्ट के द्वारा मार्गदर्शन हासिल करते हैं। वैज्ञानिक प्रगति के साथ जहां हमारे जीवन को आराम मिला है, काफ़ी सुविधाएं मिली है, चैन मिला है, साथ साथ में कुछ बीमारियां भी मिली हैं जिन्हें हम असंक्रामक बीमारियां या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। पहले ये बीमारियां रईसों की, साधारण व्यक्तियों की मानी जाती थी। हाल में ये मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीयों में भी काफ़ी तादाद में पाई जाती है। और इन्हीं बीमारियों के तहत एक बीमारी है जिसका नाम है डायबिटीज़, या जिसे हम मधुमेह कहते हैं और आम भाषा में शक्कर की बीमारी कहते हैं। बीमारी शरीर के किसी भी अंग, किसी भी हिस्से को अछूता नहीं छोड़ती है और ये क्रॉनिक यानी बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, और अगर इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो इसके काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। मित्रों, बीमारी के बढ़ते प्रमाण को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ये मनाया जाता है। और हम अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करने हेतु स्टूडियो में अमरावती शहर के जाने माने वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुनयजी व्यास मौजूद है। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वरिष्ठ व्यक्तित्व का परिचय हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, किंतु कर्तव्य के नाते डॉक्टर सुनयजी व्यास इन्होंने अपनी MBBS और आगे MD की पढ़ाई नागपुर स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से की, और उसके बाद पिछले 27 वर्षों से ये अमरावती स्थित पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर व्यास जी न केवल MBBS के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं बल्कि इनके मार्गदर्शन में कई स्टूडेंट्स MD भी हासिल कर रहे हैं। बालाजी प्लॉट स्थित अपने निजी दवाखाने में ये अपनी निजी सेवाएं देते हैं। सर, विषय की ओर मुड़ते हैं तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस बीमारी की हम चर्चा करें डायबिटीज, वो वाकई में होती क्या है? देखिए, हम लोग जो भी अन्न खाते हैं तो शरीर में उसका चयन या वर्गीकरण या परिवर्तन मुख्यतः 3 पदार्थों में होता है। पहला है प्रोटीन्स या प्रथिन, दूसरा है फैट्स या चर्बी, और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट या शुगर या शक्कर। इसके अलावा बहुत कम मात्रा में विटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स भी लेते हैं हम लोग, लेकिन मुख्यतः प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये तीनों में अन्न का चयन होता है। तो जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट या शक्कर लेते हैं खाने में अपन, उसको पचाने के लिए शरीर में पैंक्रियाज नाम की ग्रंथि है जो इंसुलिन तैयार करती है। तो इंसुलिन शरीर में पैदा होके अन्न के जो शक्कर है उसको पचाता है। अगर किसी कारणवश इंसुलिन कम पैदा हो रहा है या न पैदा हो रहा, या पैदा हो रहा है लेकिन बराबर कार्य नहीं कर रहा है, जिसको रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन कहा जाता है, या तो इंसुलिन के मात्रा में शक्कर का प्रमाण शरीर में ज़्यादा अधिक है, ऐसी स्थिति में ये जो ज़्यादा शक्कर है वो खून में जमा रहती है, और इस स्थिति को हम लोग मधुमेह या डायबिटीज़ कहते हैं। तो सर, संक्षेप में इस तरह से हम समझें कि जो खून में शक्कर या ग्लूकोज की मात्रा है वो निर्धारित होनी चाहिए। हाँ। कम भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, और इसको इंसुलिन नाम के जो हार्मोन है उसको कंट्रोल करता है। बिल्कुल बराबर सर। फिर अगला जो प्रश्न होता है कि ये जो डायबिटीज हम जिसे कहते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों में अलग तरह का होता है, बड़ों में अलग तरह का होता है, तो ये कितने प्रकार का होता है? देखो, डायबिटीज मुख्यतः 2 प्रकार में बांटा गया है। टाइप 1 डायबिटीज, जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं, दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, तीसरा एक जेस्टेशनल डायबिटीज। मैं थोड़ा विस्तार में बताऊंगा कि जिनके शरीर में इंसुलिन पैदा ही नहीं होता या बहुत कम मात्रा में पैदा होता है, तो शक्कर
के डाइजेशन के लिए, चयन के लिए फिर इंसुलिन नाम मात्र बचा रहता है और ऐसी स्थिति में शक्कर खून में बढ़ी रहती है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ में कहा जाता है। टाइप 2 में होता क्या है, ये 40 साल के बाद में, आजकल तो 20 साल से ही, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। इसमें शरीर के शक्कर की तुलना में इंसुलिन का प्रमाण कम होने से या ये असमतोल होने से फिर शक्कर खून में जमा होना चालू बढ़ जाता है और टाइप 2 डायबिटीज होता है। तीसरा, जैसे मैंने बताया, जेस्टेशनल डायबिटीज यानी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे गर्भावस्था में जो स्त्रियां लेडीज़ हैं उनको डायबिटीज़ आता है, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। बहुत से बार प्रेगनेंसी होने के बाद ये डायबिटीज़ नॉर्मल पे भी आता है, कुछ कुछ स्त्रियों में फिर आगे चल के ये टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट भी होता है। तो मुख्यतः टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट और जेस्टेशनल, ये 3 प्रकार के डायबिटीज़ के प्रकार पाए जाते हैं। ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है ये भले ही थोड़े दिन के लिए रहता हो लेकिन उसे कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ मम्मी का भी बल्कि जो गर्भावस्था में शिशु है उससे के लिए भी ये बहुत हानिकारक है, इसलिए जेस्टेशनल डायबिटीज़ को भी बाकी 2 के इतना ही महत्व दिया जाता है। सर, चर्चा में जैसे आपने बताया कि जो पहले डायबिटीज़ 40 सालों के बाद में हुआ करती थी वो आजकल कम उम्र में होना शुरू हुई है, और ये हमारा अक्सर अनुभव भी है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाई जा रही है और काफ़ी कम उम्र से लोगों को इसकी दवाइयाँ शुरू है, तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है इस कारण क्या होगा। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया है बहुत भयानक है। आज भारतवर्ष में 10 आदमियों के पीछे एक आदमी डायबिटिक बनते जा रहा है, और ऐसा ही अगर सिलसिला चालू रहे तो 2025 में हम भारतवर्ष के लोग डायबिटीज़ की राजधानी कहलाएंगे, कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। इतनी गंभीर अवस्था है। इसका मेन कारण जो आजकल हम देखते हैं, छोटे बच्चे, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं, खाने में जंक फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, पॉपकॉर्न, टीवी के सामने बैठे, लैपटॉप लेके बैठे, मोबाइल पे बैठे, सिर्फ बैठे हैं और खा रहे हैं। बेकरी प्रोडक्ट बहुत पसंद है, कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है, पेस्ट्रीज बहुत पसंद है, पापा मम्मी भी दे रहे हैं, बच्चा है, लेकिन इसका जो दुष्परिणाम अभी सामने आया है कि बैठे रहने से बिना एक्सरसाइज से इनका वजन बढ़ते जा रहा है, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है और साथ में डायबिटीज़ भी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि इंसुलिन का मात्रा में अगर शक्कर ज़्यादा है तो डायबिटीज़ होना स्वाभाविक है। दूसरा, ये आजकल के लाइफस्टाइल से होने वाला जो अर्ली एज में होने वाला डायबिटीज़ इसके कारण है, बाकी ये जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, यानी अगर आपके पापा मम्मी को या नज़दीकी रिश्तेदार जैसे मौसी या बुआ या अंकल इनको डायबिटीज़ है तो फिर जेनेटिकली में वो आप में आ सकता है। और तीसरा मैंने बताया जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो मेन कारण फूड हैबिट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, दैट इज़ द कॉज ऑफ अर्ली ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़। और ये बात अमेरिका में आजकल वो लोग योगा के पीछे जा रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये परिस्थिति उनके साथ में 5 साल पहले तक थी, तो इंडिया के लिए ये अच्छा चित्र नहीं है। दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा डॉक्टर व्यास जी ने उठाया है कि हालांकि बतौर पेरेंट्स हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हर तरह की वो सुख सुविधा मिले जिसकी वो चाहत करता है, कामना करता है, लेकिन साथ में एक बात जो उन्होंने ऐड की वो इस तरह से है कि ये उनकी जो चाहत और इच्छा हम पूरी कर रहे हैं ये उनके लिए नुकसानदेह या बीमारी का कारण नहीं बने। जंक फूड जिसकी डॉक्टर व्यास जी ने चर्चा की है, जिस तरह से अभी इसका विज्ञापन हो रहा है हर चैनल पर, इंटरनेट पर, मैगजीन में, हर जगह इसका विज्ञापन होके बच्चों को इस तरह से लुभाया जा रहा है और बच्चे इसकी ज़िद करते हैं, और जिस तरह से अभी छोटे परिवारों का जिस तरह चलन है, तो हमारी एक स्वाभाविक इच्छा होती है कि हम हमारे बच्चे की ज़िद पूरी करें, लेकिन यहाँ हमें ध्यान देना ज़रूरी है कि बच्चे का जिस तरह से आहार बढ़ रहा है उसी अनुपात में उसकी एक्सरसाइज या शारीरिक गतिविधियाँ बढ़नी चाहिए,
ताकि जो खा रहे हो पचाया जाए, अन्यथा जैसे डॉक्टर सुनेह जी ने कहा कि ये हमारे शरीर में जमा होगा, शक्कर की मात्रा बढ़ेगी और अगर उस अनुपात में इंसुलिन नहीं हुआ तो ये डायबिटीज़ का कारण होगा। ये न केवल बच्चे के लिए हानिकारक है और जिस तरह से बताया कि ये आगे चल के अपनी दूसरी पीढ़ी को दे सकते हैं तो ये अगली पीढ़ियों के लिए भी नुकसानदायक होगा। और अगर किसी परिवार में एक भी सदस्य डायबिटीज से पीड़ित है तो न केवल वो सदस्य बल्कि पूरा परिवार, पूरा समाज और देश इससे ग्रसित है और इसका सबको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इस विषय को हम काफ़ी गंभीरता से लें और एक्सपर्ट द्वारा बताई हुई हमारे निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। एक बहुत ही सार्थक और दिलचस्प चर्चा डायबिटीज़ पर जारी है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।